अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुगलाई चिकन की रेसिपी, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनाई हुई है और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो मुगलाई चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। प्याज लेंगे हम 1/2 कप फ्राई की हुई। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लें और इसे फ्राई करके निकाल लें। इसके अलावा हमें चाहिए दही 1/2 कप और ये मैंने काजू लिए हैं, ये 12 या 13 काजू हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे हम बारीक कटा और मैं ये 4 से 5 हरी मिर्च ले रही हूँ, इसको मैंने बीच से कट लगा लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। नमक लेंगे हम हसबे ज़रूरत। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून। और ये मैंने कुछ साबित मसाले लिए हैं और साबित मसालों में मैंने लिया है शाहजीरा 1/2 टीस्पून, 1 इंच की दालचीनी की स्टिक, 5 लौंग लिए मैंने और 6 से 7 मैंने काली मिर्च लिए। तो बस यही सिंपल मसालों का मैंने यूज़ किया है इसमें और बाकी कोई मसाले का इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है। नमक मिर्च मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चाहिए हमें मुगलाई चिकन बनाने। तो फिर चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। तो मुगलाई चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ और ये नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे और ये रेड चिली पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे और ये सारा दही भी हम इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच यूज़ कर लें। तो देखिए ये सारी चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो हमारी मैरिनेशन पूरी हो चुकी है तो हम इसे रख देते हैं साइड में 1 घंटे। तो 1 घंटे बाद सारे मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएगा और ये जो चिकन है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो 1 घंटे बाद हम कढ़ाई में ऑयल डालकर इसे चूल्हे पर रख देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। तो देखिए ये सारा चिकन मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो इसमें चम्मच चलाते हुए हम चिकन को 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए चिकन को 2 मिनट भूनने के बाद चिकन ने सारा पानी छोड़ दिया है। तो चिकन को हम इसके ही पानी में सॉफ्ट करेंगे, इसमें हम कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। इसकी लीड बंद करके हम इसे कुक करेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चिकन हमारा सॉफ्ट होता रहेगा तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो मैंने ये जार ले लिया, इसमें मैं ये साबित मसाले डाल रही हूँ और ये काजू भी हम इसमें डाल देंगे और जो हमने फ्राइड की हुई प्याज ली थी उसे भी हम इसमें डालकर इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए अब ये जो पेस्ट थी ये रेडी हो चुकी है, ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम चिकन को देख लेते हैं कि ये अच्छी तरह से गला है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने चेक कर लिया, ये चिकन जो है वो अभी अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है, इसमें थोड़ी कसर बाकी रह गई है। तो इसकी लीड को हम बंद कर देते हैं और इसे हम कुछ देर और कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो चिकन है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो हमने जो काजू और प्याज की पेस्ट तैयार की थी, जो मसाला हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। जो जार में मसाला रह गया था उसे भी मैंने पानी से धोकर डाल दिया है, हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम इसमें ये हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को। तो देखिए मसाला जो है वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ये कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसकी लीड बंद करके हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक सारे मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता। तो कुछ देर इसे लो फ्लेम पर कुक करने के बाद देखिए जो तेल है सरफेस पर आ चुका है, मसाले से सारा तेल अलग हो गया है। तो ये जो मसाला है हमारा रेडी है। तो इस स्टेज पर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी हल्की सी ग्रेवी कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल भी थिक नहीं बनी है तो मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा मुगलाई चिकन। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फरहीन को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।